चलो, वेलकम बैक। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो इसमें बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो कंपनी ने डिबेंचर्स उठाए थे उसकी एंट्री आपने की थी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में। जब उनको रिडीम करना होगा तो उसकी हमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी। तो उसमें हमने सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल रखा देखा वो ये था कि जो भी अनलिस्टेड कंपनी होती है अदर देन अनलिस्टेड एनबीएफसी, मतलब सारी अनलिस्टेड नहीं, उन अनलिस्टेड को छोड़ के जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होंगी या फाइनेंशियल कंपनी नेशनल हाउसिंग कंपनीज होंगी उनको छोड़ के बाकी जितनी भी अनलिस्टेड कंपनी बच गई उनको क्या करना पड़ेगा, जितने भी उनके डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है उनका 10% उनको एक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्रॉम द प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, उसका नाम है DRR। और फिर जिस साल उनको रिडीम होने हैं डिबेंचर्स, जितने डिबेंचर्स रिडीम होने हैं उसका 15% 30 अप्रैल तक उनको इन्वेस्ट करना है कहीं पे, और वहां से जो पैसा निकाला जाएगा वो सिर्फ रिडेम्पशन के लिए इस्तेमाल होगा। ये आपको ख्याल रखना है रिडेम्पशन के लिए। बाकी रिडेम्पशन में एंट्रीज बहुत सिंपल है। अगर आप रिडेम्पशन कर रहे हो लमसम में तो आपने क्या करना है, डिबेंचर्स की लाइबिलिटी खत्म करनी है, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर को पे करना है। और पैसा कैसे आएगा, आपके पास अपना पैसा होगा ही होगा, नहीं तो अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उनको पर्टिकुलरली 15% तक इन्वेस्ट करना है तो वहां से वो पैसा आ जाएगा। उसके बाद था दूसरा तरीका कि अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो जहां पे आप कन्वर्ट कर रहे हो डिबेंचर्स को शेयर में वहां पे आपको DRR बनाने की जरूरत नहीं है अगर आप अनलिस्टेड कंपनी भी हो। बिकॉज द टेंशन ये नहीं है कि आपको पैसा देना, आपको पैसे देने की टेंशन है नहीं, तो DRR किस बात का। तो जहां पर आप कन्वर्जन कर रहे हो डिबेंचर्स को शेयर में तो वहां पे आपको DRR बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है उसमें जो नॉन कन्वर्टेबल पार्ट हुआ जिसके लिए पैसा देना है उसका प्रपोर्शन 50% का आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसके प्रपोर्शन 10% का आपको DRR क्रिएट करना पड़ेगा। ये कुछ चीजें जो आपको ख्याल रखना है। अदरवाइज अगर कन्वर्जन होगा तो फिर कोई मुश्किल बात है नहीं, डिबेंचर अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो कल हमने बच्ची बोली कि 5% दिए थे। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप देखो कि जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है उसके बाद कोई कॉन्सेप्ट है आपकी बुक में कि इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। अगर इलस्ट्रेशन नंबर 6 है एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 6 को पढ़ लो, और बाकी बच्चे प्लीज इलस्ट्रेशन नंबर 6 को देख लो जल्दी। सर मनीषा आपकी रिस्पॉन्स, इलस्ट्रेशन 5 के बाद डायरेक्टली 6 है कि कोई कॉन्सेप्ट है बीच में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई कॉन्सेप्ट भी छूट जाए। सर हमें है इसमें फिर बराबर 13 तक क्वेश्चंस क्वेश्चन इसी दिया पे। ना, इलस्ट्रेशन में 5 पढ़ लो। 5 तो किया ना कल। ठीक अच्छा 5 किया, 6 पढ़ लो, क्वेश्चन है पढ़ लो, सर, वो मुझे तो आइडिया मिलेगा कि लिमिटेड आपको ये आगे करना कि नहीं। पढ़ो। सर्वोत्तम लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी हाँ डिसाइडेड टू रिडीम इट्स 412% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द अबो बहुत ट्रांजेक्शन। आसान है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। नॉर्मल रिडेम्पशन करना है हाँ तो आ जाएगा ना, करना कुछ है नहीं हाँ इसमें, आगे बढ़ो। एक्स लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी हैज हाँ 10 लाख 9% डिबेंचर्स ड्यू टू बी रिडीम्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018 एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। द कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 14,000 द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व पास कितना है, जर्नल कितना एंट्री डीआरआर में, ठीक 14,000 है ऑलरेडी। है, हाँ फिर बोल रहे हैं पास जर्नल एंट्रीज और एट द कितने टाइम ऑफ कितने डेथ डिबेंचर्स है, ये है 10 लाख डिबेंचर्स ऑफ 10%। ₹10 लाख है। हाँ और इसको हमने प्रीमियम पे जो है वो दिया है एट अ प्रीमियम 5% फर्स्ट ठीक है, अक्टूबर को। 10 लाख डिबेंचर्स का कितना हो गया आपका, डीआरआर में आपको कितना करना है, 1 लाख, हाँ 1 लाख में से ऑलरेडी है 14। 14,000 आपके आरडी है, तो हाँ 86,000 का आपको आरडी डीआरआर क्रिएट करना है। क्यों, अनलिस्टेड कंपनी है ना, और इन्वेस्ट हाँ कितना करना है, 10 लाख का आपको 15% इन्वेस्ट करना है, तो 1.5 लाख आपको इन्वेस्ट करना है। तो एक तो आपको डीआरआर की एंट्री करनी है 86,000 की, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, और डीआरआर आई करना है आपको 30 अक्टूबर से पहले पहले, ठीक है ना। 30 अक्टूबर से पहले पहले एटलीस्ट 30 की एंट्री करोगे, डीआरआर में आप इन्वेस्ट करोगे तो बैंक, और जब फिर रिडीम करना होगा वहां पर रिडीम की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रीमियम आरडी को क्रेडिट किया होगा, तो भी डेबिट करोगे, डिबेंचर्स को भी डेबिट करोगे, तो डिबेंचर होल्डर करोगे, और पैसा कहाँ से आएगा, ये जो डीआरआर में इन्वेस्ट पड़ी होगी उसको बेच दोगे, और लास्ट में जो आपका फिर डीआरआर में पैसा होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको आएगा करना, बाकी के लिए खुद ही होमवर्क है। हाँ सर जो फिर हम इसमें ट्रांसफर करेंगे ना जनरल रिजर्व में वो कितना करना है। जो बाकी बचेगा आपका, आपके सारे डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है ना वो सारे रिडीम कर रहे हो, किसी डीआरआर में कोई पैसा रखने की जरूरत नहीं है, वो आप रिडीम कर लो। ऐसा क्या है ना, जैसे मैं बताता हूँ बेटा, आपको टोटल करना था 10 लाख का 10%, दैट इज 1 लाख आपको रिडीम ये करना था डीआरआर में क्रिएट, है ना, जो भी आपके डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग थे उनका 1 लाख आपको करना था।
इन्होंने 14,000 पिछले सालों में किए है, इस साल आप 86 ही करेंगे ना, हाँ और बाद में जब डिबेंचर्स रिडीम हो गए, अब डीआरआर की कोई जरूरत नहीं है, डीआरआर का सारा पैसा वो करना है। तो इसमें ये मतलब है कि ये 14,000 पिछले सालों में किया है, कि डिबेंचर्स होता है 4 साल 5 साल पहले इसे इशू किए होंगे ना, तो इतने सालों में उसने 14,000 किया है और अब मैंडेटरी करना ही है, तो अब 86,000 कर लिया, बट सारा पैसा उन्हीं डिबेंचर्स का था, तो इनको वापस गया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना आपने। 1 लाख अमाउंट आएगा 86 ही, ठीक वही मैं पूछ रही थी कितना जनरल करना रिजर्व है। में ट्रांसफर करना है 1 लाख। देखो बच्ची का डाउट क्या है, आज की डेट में आपके 14,000 है डीआरआर में, एज हाँ पर रूल आपको 1 लाख होना चाहिए, तो हाँ आप अभी क्या करोगे, 86,000 का और क्रिएट करोगे, तो आप एंट्री करोगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट तो डी आर टू आर अकाउंट डीआरआर 86,000। अब डीआरआर में कितना होगा टोटल, 1 लाख। जब मान लग आप रिडेम्पशन करोगे पूरा, तो इस डीआरआर की अब कोई जरूरत नहीं है ना, तो इस पूरे डीआरआर को ट्रांसफर करोगे आप जनरल रिजर्व में, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 1 लाख, पूरा जनरल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, ओके हाँ। फिर और कोई क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, बताओ। ऑन 1 अप्रैल आप टू लोगों को थाउजेंड ख्याल रखना है, अनलिस्टेड कंपनी अगर रहेगी, ठीक है ना, ठीक ऑन 1 अप्रैल 2017 हाँ कपिल ऑर्गो लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी इश्यू 2011% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू अमाउंटेड टू 2000, इज पेबल ऑन डिबेंचर्स एनुअली ऑन 31 मार्च। फिर है इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इन 2017 एंड 18। द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2023। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 2017-18 and 2022-23 इंक्लूडिंग दोज ऑफ इंटरेस्ट। इश्यू कब किया था फर्स्ट अप्रैल 2017 बेटा, एक इश्यू का एंट्री है करना है और आपको रिडेम्पशन की एंट्री करनी, करेंगे हाँ। मैं कराऊं, सब बताओ। फिर इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट 31 मार्च को देना है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं कराऊं कि खुद आएगा करना। चलो मैं कराता हूं इस क्वेश्चन को, सबके पास मिला मिला है क्वेश्चन। सबसे पहले इश्यू की पूछो। एंट्री हो जाएगी, तो हाँ इश्यू को वही डिबेंचर कर पूछो। रहे हो, 2,000 डिबेंचर को इश्यू कर रहे हो, ₹100 एट पार, तो उसकी एंट्री हाँ करो, क्या हो जाएगा, बैंक में आपका कितना बैंकिंग पैसा। अकाउंट पे जब आप बेटा इश्यू करोगे 1 अप्रैल को, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट, में दे दो तो टेन इसका दो इलेवन परसेंट हजार डिबेंचर डिबेंचर एप्लीकेशन। का 2 लाख रुपया आएगा, तो हाँ। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख रुपया। ठीक है बेटा, जी सर इसके बाद आपको अलॉट करना है, तो अलॉटमेंट की एंट्री करोगे डिबेंचर, बाकी बच्चे अभी जवाब दो ना, एप्लीकेशन एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख। अब तो जब इलेवन इश्यू परसेंट कराओ डिबेंचर। डिबेंचर, तो आपको ख्याल रखना है रिडेम्पशन प्रीमियम पे तो नहीं है, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पर है तो उस प्रीमियम वाली एंट्री भी करनी है। यहाँ पे पता चला कि भाई 5% प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो 2 लाख का 5% कितना होता है बेटा, कितना होता है नातिका, 10,000। हाँ। तो 10,000 आपको प्रीमियम भी देना है, तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% 11% डिबेंचर्स डिबेंचर 2 लाख, हाँ जो तो आपको प्रीमियम और प्रीमियम दे रहा डिबेंचर। है उसकी एंट्री भी करोगे 10,000। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं हम नातिका, प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन, ये प्रीमियम है, प्रेम नहीं लिखना, ठीक है ना, मैं जाए काम, तो प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन 10,000, और ये मेरा लॉस हो गया 10,000 का लॉस ऑन इश्यू और डिबेंचर इश्यू अकाउंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10,000, ये भी एंट्री जी होगी, तो हाँ पूरा 2,000 आपके एक्सपेंस हो गए, तो उसकी भी एंट्री करेंगे, हाँ हाँ तो एंट्री क्या हो एक्सपेंसेस जाएगी ऑन बेटा, इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू बैंक 2,000। हाँ पूरा साल कंप्लीट हो गया, 31 मार्च आएगा, हाँ 31 मार्च को आप इंटरेस्ट की एंट्री करोगे, हाँ डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2 लाख पे 11% होता है 22,000 मेरे हिसाब से, तो लेकिन टीडीएस पेएबल, टीडीएस काटोगे 2,200 10% के हिसाब से, टू डिबेंचर होल्डर 19,800। ठीक है, हाँ
अब मुझे बताओ वो जो एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर था उसको कितने साल में बोला इसने राइट ऑफ करना है? 2017-18। उसी साल में करना है राइट ऑफ, तो उसकी एंट्री करो। अच्छा, और ये जो लॉस था ये, सॉरी, 2018 में आप इसको कर रहे हो इश्यू, 2017 में, 2017 में इशू किया ना 1/4/2017 को, और रिडीम कब कर रहे हो? 31/3/23 को। तो कितने जी साल हो गए ये? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल हो गए। तो 6 साल में आपको ये लॉस भी रिडीम करना है, 10,000 वाला लॉस, जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होगा ये भी तो राइट ऑफ करना है ना ये, बट 10 साल में हो जाएगा, और एक्सपेंसेस वाला 1 साल हो जाएगा। तो उसकी एंट्री करो, पहले ये इंटरेस्ट वाला एंट्री पीएनएल में जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 22,000 टू डिबेंचर इंटरेस्ट 22,000। अब देखो उस खर्चे में से कितना जाएगा, जो आपका एक्सपेंस हो गया था वो भी जाएगा पीएनएल में 31 मार्च 2018 को। तो एक साथ स्टेटमेंट नहीं कर सकते हैं इनको एंट्री? हाँ कर सकते बेटा, बट मैंने अलग अलग इसे किया ताकि आपको समझा दूँ क्या क्या हो रहा है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में और क्या क्या खर्चा जाएगा, एक आपका जाएगा वो एक्सपेंस, हाँ, 2000 का। और जो लॉस हुआ था लॉस टोटल 10,000 था उसको 6 साल में राइट ऑफ करना है, क्योंकि 6 साल बाद रिडीम कर रहे हो। तो 10,000/6 कितना होता है? तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 10,000/6 करो ना बेटा, लगोगे ना उनकी कैलकुलेटर चार्ज। सर दोनों पता नहीं क्या हो गया इनको। वन नो, सिक्स 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 1,666 ठीक है, और ये पीएनएल में हिट हो जाएगा 3,666। सेवन बी था। एक्सपेंसेस रिटन ऑफ एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटन ऑफ 1/6, है ना, 1/6 ऑफ 10,000। ठीक है, तो आपको 17/18 की एंट्री करनी थी, और क्या बोला था कब की एंट्री करनी है लास्ट में? 22/23 की एंट्री करनी है ना। अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है, अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है तो 31/3/2022 को इसे एटलीस्ट अपने प्रॉफिट्स में से डिबेंचर्स का 10% कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा? डीआरआर में। तो 31/3/2022 को ये एक एंट्री करेगी पास, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर 20,000। ठीक है, फिर ये करेगी 30 अप्रैल 2022 को 15% इन्वेस्ट करेगी डीआरआर इन्वेस्टमेंट में। ठीक है बेटा, नातिका, तोयबा बेटा, मुनादा बेटा, ये दो चीजें आपको भूलनी नहीं है। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो जिस साल ये डिबेंचर रिडीम होने हैं उस साल 30 अप्रैल तक इसको डीआरआर इन्वेस्टमेंट करना है, और उससे पहले इसको एटलीस्ट 10% डीआरआर में क्रिएट करना है। तो डीआरआर क्रिएट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, तो वो मैंने 31/3/2022 में डाली। अभी भी 1 मंथ का टाइम है, मैं मान रहा हूँ कि कंपनी अपना पूरा टाइम यूज कर रही है, तो 30 अप्रैल 2022 को ये इन्वेस्टमेंट करेगी डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट 2,15%, 30,000 रुपया। ठीक है बेटा, फिर 31/3/2023 को क्या करेगी? अब इस इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है तो इसको रिडीम करेगी, मतलब इसको वापस बेचेगी, तो आपको एनकैश करेगी बेसिकली, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000। आपको इंटरेस्ट भी आएगा, बट अभी हम एज्यूम कर रहे हैं वो इंटरेस्ट नहीं लिखा है कुछ, इससे फायदा भी हो सकता है ना इन्वेस्टमेंट से। भाई आपने बैंक में लगा दिया 30,000 रुपया FD, तो साल के बाद तो 32,000 33,000 मिल जाएगा ना, तो वो जो फायदा हो गया वो आपकी इनकम हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू DRR इन्वेस्टमेंट 30,000, और आप जो फायदा हुआ उसको DRR में भी ट्रांसफर कर सकते हो, डायरेक्टली PNL में भी ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो आपके इनकम हो गया। ठीक है ना, एनीवेज ये मैंने इन्वेस्टमेंट वापस रिडीम कर ली, और अब मैं क्या डिबेंचर जो है उनको रिडीम करूंगा। तो एंट्री करूंगा 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सब प्रीमियम 2 लाख थे मेरा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था, डेबिट 20,000 शायद थे टू डिबेंचर होल्डर, 10,000। 10,000 था, सॉरी माय बैड, 2,10,000, एंड उसको पे करूंगा डिबेंचर डिबेंचर होल्डर को तो अकाउंट डेबिट टू बैंक भाई 2,10,000।
और इससे पहले इंटरेस्ट वाली एंट्री होगी जो मेरे से छूट गई, तो इंटरेस्ट वाली एंट्री भी होगी ना, उस साल भी तो इंटरेस्ट दोगे ना, हाँ तो इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 22,000। तो टीडीएस पेएबल 2,200, टू डिबेंचर होल्डर 19,800। एक एंट्री मेरी ऊपर छूट गई थी, मैं दिखाता हूँ, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 19,800। टीडीएस पेएबल भी आप बैंक में पे करोगे, तो वो वाली भी एंट्री भी 2017-18 में मेरे से छूट गई, वो भी करोगे ना, टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट हाँ टू टू बैंक। बैंक 2,200। इंटरेस्ट वाला एंट्री आप राइट ऑफ करोगे पीएनएल से, स्टेटमेंट स्टेटमेंट प्रॉफिट प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट एंड एंड लॉस लॉस अकाउंट, अकाउंट डेबिट। तो आप देखो इंटरेस्ट ऑन यहाँ पे डेबिट। कराऊंगा आपको 22,000 प्लस जो रिडेम्पशन का बचा था 1/6, 1,666, वो भी राइट ऑफ करोगे 2,000, 22,23,666। तो डिबेंचर इंटरेस्ट 22,000, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसका अभी 1/6 बचा होगा ना राइट ऑफ करना, 1,666 हो जाएगा। और अब डीआरआर की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो डीआरआर को मैं ट्रांसफर करूंगा जनरल रिजर्व में, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 20,000। ठीक है, ये सारी एंट्रीज आपको करनी है, समझ आया अच्छे से? हाँ सर ये जो हम हमें इंटरेस्ट करना था ना, नहीं एक्सपेंसेस, ये आपने 1,66 जो है ना, आपने इसको डिवाइड बाय 6 क्यों किया था वहां पे? बेटा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जो मैंने आपको बताया था, बुक का भूल जाओ, मैंने क्या बोला था, क्योंकि जो मेरा लॉस हो गया या जो मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ या जो एक्सपेंस है, उनको मैं राइट ऑफ करूंगा कितने टाइम पे, जितने टाइम पे मेरी डिबेंचर्स है। बट इसने कैटेगरी बोला कि जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को मुझे राइट ऑफ करना है पहले साल, बट जो लॉस है, लॉस के बारे में क्वेश्चन तुम्हारा साइलेंट है, तो लॉस को मैं ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द डिबेंचर जो है 6 सालों में राइट ऑफ करूंगा, मैं एक ही साल क्यों राइट ऑफ करूंगा। इसने सिर्फ एक्सपेंस के बारे में बोला था ना, जितना आपने क्वेश्चन पढ़ा था, एक्सपेंस के बारे में बोला था, वो पहले से राइट ऑफ करेंगे, लॉस जो है वो मैं पूरे 6 सालों में राइट ऑफ करूंगा मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से। ठीक है, ये मैंने तो उस वाले लेक्चर में बोला था ना कि आपके बुक में ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, कि मेरे हिसाब से ये लॉस आपको 6 सालों में राइट ऑफ करना है, जितने सालों की आपकी डिबेंचर है, मैचिंग कंसेप्ट है यार, हर साल डिबेंचर का फायदा ले रहे हो ना, तो उसका जो लॉस है वो भी हर साल राइट ऑफ करो। बट एक्सपेंस क्योंकि स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला था कि इट वॉज डिसाइडेड बाय द कंपनी, तो दैट विल क्रिएट, बट लॉस के लिए साइलेंट था, तो लॉस मैंने तभी 6 साल में राइट ऑफ किया, आपकी बुक ने शायद उस लॉस को भी पहले ही साल राइट ऑफ किया होगा। हाँ सर, अगर हमें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो हम मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करें। आप कोई भी कंसेप्ट फॉलो करो, मेरे हिसाब से मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करोगे तो मैं आपके बिहाफ पे लड़ूंगा। ठीक है, और सर ये जरूरी है कि हर एक कंपनी जो DRI कहीं पे इन्वेस्ट करे? मैंडेटरी हो गया आप इनके लिए, इनके लिए मैंडेटरी हो गया ना, कंपनी सर का जो हमने कल पढ़ा था, जिस भी हाँ कंपनी को डीआरआर बनाना है उसके लिए मैंडेटरी है, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मैं पढ़ रहा था एक जगह पे, ये दिक्कत क्या रहा है, मैं ऑफिस में इतना बिजी होता हूँ, मैं आज उनका प्रिंट लेके या स्कैन करके मैं आपको दिखा देता था, इसमें भी कि रूल्स भी बोले कि आपको कहाँ कहाँ पे रखना है, मतलब कोई ऐसी जगह पे नहीं रखना है कि उस पर कोई लेन हो, मतलब आप उसको कल निकाल ना पाओ, उसको बोलते हैं अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज में रखना है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है वैसी सिक्योरिटी पे जिसपे कल को किसी का चार्ज नहीं होगा, तो मेजरली ये FD या ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां आप इजीली उसको निकाल सकते हो। यस, दे हैव टू डिपॉजिट एटलीस्ट द 15% ऑफ द डिबेंचर का होता है, लिस्टेड कंपनीज ऑलवेज। और कोई डाउट? नो सर, चलो आगे बताओ मुझे, कोई और कंसेप्ट है कि क्वेश्चंस ही है? इसको इन मैं क्वेश्चंस बोल को रहा प्लीज खुद ही प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा खुद प्रैक्टिस करोगे उतना क्लैरिटी आ जाएगी। सर 13 तक है इसको, ये इलस्ट्रेशंस, उसके बाद कंसेप्ट बता दो मुझे क्या है। उसके बाद है आप रिडक्शन। प्लीज सारे इलस्ट्रेशन नंबर 13 तक कर लेना, जो आपको नहीं आएगा कल के लेक्चर में फिर उसको करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद कौन सा कंसेप्ट है? तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स इन इंस्टॉलमेंट्स है। इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट, ये मैंने ऑलरेडी बताया था, ब्रैकेट में लिखा है इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें क्या होगा नातिका बेटा, ऊपर जितना भी क्वेश्चन आपने पढ़ा था, आप 2017 में इश्यू कर रहे थे और 2023 में रिडीम कर रहे थे, सबको एक साथ रिडीम कर रहे थे, उसको बोलते हैं लमसम में रिडीम करना,
और ड्रॉज ऑफ लॉट्स या इंस्टॉलमेंट में मतलब क्या है कि हर साल आप थोड़ा थोड़ा रिडीम कर लो, ठीक है। जैसे आपने 2017 में इशू कर लिए 12 लाख के डिबेंचर्स, ठीक है बेटा, 12 लाख के जी डिबेंचर्स किए और आपने बोला कि हर साल हम 2-2 लाख के डिबेंचर्स रिडीम करेंगे, तो 2018 में आप कितने रिडीम करोगे? 2 लाख। 2019 तक 31 मार्च को कितना करोगे? 2 लाख। 31 मार्च 2020 को कितना करोगे? 2 लाख। 31 मार्च 2021 को कितना करोगे? 2 लाख। 31 मार्च 2022 को कितना करोगे? 2 लाख। 31 मार्च 2023 को कितना करोगे? 2 लाख। तो आप एक साल राइट ऑफ नहीं करोगे, आप हर साल राइट ऑफ करोगे, ठीक है। जी सर। अब इसमें क्या होगा, मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो बहुत आसान होंगे। अब अगर अनलिस्टेड कंपनी होगी, अनलिस्टेड कंपनी को ख्याल रखना है कि जितने भी डिबेंचर्स वो राइट ऑफ करने वाले हैं, जैसे मैं आज की डेट में देखूंगा, मैंने 31 मार्च 2018 को 2 लाख के डिबेंचर्स राइट ऑफ करने हैं, है ना। तो जितने मुझे राइट ऑफ करने, कितना करना है मुझे राइट ऑफ? 2 लाख। दो लाख तो 2 लाख का जो पैसा होगा, 2 लाख का जो 15% होगा, डी आर आई उतना मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो 30,000 मुझे इन्वेस्ट करना है यहाँ पे। कब करना है? 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को आपको कितना करना पड़ेगा? 30,000 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा DRI में। और यहाँ पे 31 मार्च 2018 को आपको ये ख्याल रखना है, जितने भी डिबेंचर्स आपके आउटस्टैंडिंग है, जितने भी डिबेंचर्स आपके आउटस्टैंडिंग है, उसका आपको क्या करना पड़ेगा? 10% आपको DRR में क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो आपका ओवरसी, ये 2 लाख तो राइट ऑफ होने ही है, पीछे बचे आपके कितने? 10 लाख। 10 लाख का 10% आपका होता है 1 लाख। तो 1 लाख आपको DRR में रखना है, ठीक है। और जी इसको आप हमेशा के लिए रख लो, कोई इशू नहीं है। 31/3/2022 को जब सारा क्लियर हो जाएगा, फिर आप क्या कर लो, उस DRR को ट्रांसफर करो जनरल रिजर्व में। और कोई इसमें नया कंसेप्ट होने वाला नहीं है कि हर साल राइट ऑफ होने वाला है। तो हर साल आपको ख्याल रखना है कि जितना आपका डिबेंचर रिडीम होने वाला है, उसका 15% आपको इन्वेस्ट करना है। अब इसके बाद मुझे बता दो कौन सा क्वेश्चन है आपका। इलस्ट्रेशन नंबर इसके 14 बाद होगी, फिर हाँ पढ़ो इलस्ट्रेशन नंबर 14। ऑन 1 अप्रैल 2016 सुशील एक सेकंड, लिमिटेड एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड बेटा। पढ़ो बेटा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 14 आपकी बुक में, थोड़ा आहिस्ता से पढ़ना। ऑन 1 अप्रैल 2016 सुशील लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी इश्यू 2010% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट ठीक, गुड। रिडीमेबल एट पार। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इश्यू कंपनी मे रिडीम 40,000 डिबेंचर्स एनुअली बाय ड्रॉइंग ऑफ कितने थाउजेंड लॉट। डिबेंचर्स? 40,000 डिबेंचर्स रुपीज हाँ एनुअली? हाँ बाय ड्रॉइंग ठीक ऑफ लॉट्स फ्रॉम ठीक 1 अप्रैल 2018 1 अप्रैल, 2018 ठीक है बेटा। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज पर प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू ये ना 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 AS 16 ठीक है, इसने गलत जाना है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। आगे ठीक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेएबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च मिनट वेट करना। 31 मार्च, 30 सितंबर, ठीक। बस है फिर है जर्नलाइज द अबो ट्रांजेक्शन फॉर ईयर 31 मार्च 2017 18 एंड 19 17, 18 19 3 साल की आपको एंट्रीज करनी है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करनी है। सबसे पहले बेटा क्या एंट्री हो जाएगी? नातिका बेटा इशू की एंट्री हो जाएगी यस सर 1/4/2016। क्या एंट्री होगी बेटा? बाइक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट, तो टू डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन,
अलॉटमेंट अकाउंट। एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कोटा बैंक में कितना जाएगा? 2 लाख, दो दो हजार लाख इंटू कहाँ टू होगा सर? 2 लाख कहाँ? 200 है ना, 2,000 है ना, ओके वो ओके है ना ओके ओके, डिस्काउंट 10% पे, तो डिस्काउंट है आपका, तो आपको 90 मिलेगा, 90। 1,80,000, वेरी गुड, 80 1,80,000। ठीक है ठीक। बेटा, 10% डिस्काउंट था ना, ये छूट गया था। अब बताओ एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,80,000। तो 10% डिविडेंड। आपको लॉस हो गया, डिस्काउंट ऑन 20,000। इश्यू ऑफ डिविडेंड। तो 10% डिबेंचर 2 लाख। ठीक है, ये आपने 1 अप्रैल को एंट्री कर ली। अब आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपने इंटरेस्ट देना है 30 सितंबर को। ठीक है बेटा, तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट वाली एंट्री होगी। 30 सितंबर 2016 को डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी। नातिका, यस सर। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना होगा? 2 लाख पे 10% इंटू 6/12, क्योंकि ठीक अप्रैल में इशू किया था, सितंबर तक 6 ही महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। 2 लाख में 10% 20,000 होता है, 20,000 का आधा होता है 10,000, तो 10,000 का इंटरेस्ट होगा। जी सर। तो अब मुझे पता नहीं वो टीडीएस पेबल की एंट्री कर रहा है नहीं कर रहा है, आप टीडीएस पेबल की एंट्री करोगे। ठीक है ना, हजार तो डिबेंचर होल्डर 9,000। 9,000, फिर पेमेंट करोगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट 9,000। 9,000, टीडीएस भी जमा करोगे तो मैं वो भी एंट्री करूंगा एक ही साथ, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट 1,000, तो बैंक तो अकाउंट बैंक 10,000। 10,000। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। उसके बाद आएगा 31 मार्च। ठीक है बेटा, जी सर। 31 मार्च को अगेन इंटरेस्ट वाली एंट्री तो रिपीट हो जाएगी। हाँ डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो टीडीएस पेबल, तो डिवेंचर हो तो डिबेंचर होल्डर 10,000 था ना, कोरमा ने कहा तो ऐसे स्कोर मांगा नहीं होगा, स्कोर क्या को? स्कोर पता नहीं, आज मैंने नहीं देखा, चलो परसों से किस्त ली होगी। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेएबल टू डिबेंचर होल्डर, उसके बाद टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट 1,000। हालांकि टीडीएस हम 7 तारीख को जमा करते हैं, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सारे एक साथ कर रहे हैं। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 9,000, बैंक 10,000। बेटा मुझे बता, पहला रिडेम्पशन कब हो रहा एक था बेटा? मिनट, पहला रिडेम्पशन कब हो रहा था? 1/4/18 को है ना, अभी हम 31/17 तक आ गए, तो अभी तो कोई टेंशन है नहीं। 31/17 तक आ गए, और क्या बचा? इसने बोला था आपको कि जो डिस्काउंट था आपका 20,000 का, वो AS16 के हिसाब से राइट ऑफ करो, तो ये क्या किया होगा, एक एंट्री किया होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो इसने पूरा 20,000 राइट ऑफ किया। आप अपना आंसर देख सकते हो, बट मैं उसको वैसे नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको प्रोपोर्शनेटली करूंगा। ठीक है ना, अभी मैं एक चार्ट बनाऊंगा, ये शायद पहले ही साल राइट ऑफ कर रहा होगा, बट मैं उसके लिए एक चार्ट बनाऊंगा। ठीक है, अच्छा एक एंट्री पहले कर लेते, पास डिबेंचर का इंटरेस्ट राइट ऑफ हो जाएगा, तो ये कहते 3 को 1 सता तो हो ही जाएगी, इसमें किसी को डाउट नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो डिबेंचर इंटरेस्ट 20,000 रुपया। ठीक है,
20,000 तो राइट ऑफ हो ही जाएगा। इसने क्या बोला था आगे, 1,418 से 40,000 हो जाएगा, उसके बाद क्या बोला था? इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यूर डिबेंचर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। तो आपको बुक्स कब तक बोले बनाने के लिए? तो एक 1789। 2 लाख के डिबेंचर्स थे, इसमें भी 2 लाख के डिबेंचर्स थे। यहाँ पे आपने 1/4/2018 को आप राइट ऑफ करोगे 40,000, फिर पीछे बचे इस हाँ साल में 1,60,000, ठीक। 19-20 में आप और 40,000 करोगे तो 1,20,000 बचेगा। 20-21 में आपके पास डिबेंचर से 88,000, और 21-22 में आपके डिबेंचर से 40,000, है ना? ऐसे आप राइट ऑफ करोगे ना, पहले साल कोई राइट ऑफ नहीं करोगे, दूसरे साल भी कोई राइट ऑफ नहीं, उसके बाद 40,000 ज्यादा से राइट ऑफ करोगे, ठीक है? अब टोटल का वेटेज दे दो आप इसका, अगर मैं एक वेट दे दो, इसका कितना हुआ? दो। इसका कितना हुआ? तीन। इसका कितना हुआ? चार। इसका कितना हुआ? पांच। और इसका भी कितना हुआ? पांच, है ना? ये 40,000 था, ये 80,000, तो इसका दो वेट मिलेगा। अब मुझे बताओ ये टोटल वेट्स कितने हो गए? तो इस साल कितना राइट ऑफ हो जाएगा? डिस्काउंट, डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। ये मेरा तरीका है, आपकी बुक का तरीका नहीं है। आपका डिस्काउंट कितना था? 20,000 इंटू 5/20, ठीक है? और यहां पे भी हो जाएगा 20,000 इंटू 5/20, यहां पर हो जाएगा 20,000 इंटू 4/20। आपको पहले 3 साल की एंट्री करनी है, ठीक है? आप सारा कर लेना, बट अभी आपको इतना ही करना है। तो ये बताओ मुझे कितना होता है 20,000 जोड़ा 20,000, तो यहाँ पे 5,000 राइट ऑफ करूंगा, यहाँ पे 5,000 राइट ऑफ करूंगा, और यहाँ पे मैं 4,000 राइट ऑफ करूंगा, ठीक है? कोई डाउट? ये समझ आया मैंने क्या किया कि नहीं आया समझ? नो सर, नहीं आया ना समझ? देखो इस साल ना। मेरे डिबेंचर्स कितने हैं मेरे पास? 2 लाख, तो मैं 2 लाख से फायदा हाँ ले रहा हूँ। अगले साल भी पूरा 2 लाख मेरे पास है, तो मैं अगले साल भी 2 लाख से फायदा ले रहा हूँ। उसके अगले साल मैं 1 अप्रैल को ही 40,000 रिडीम कर रहा हूँ, तो अब मेरे पास अगले साल कितने पैसे है काम करने के लिए? 1,60,000, तो मैं 1,60,000 से फायदा ले रहा हूँ। फिर मैं 1 अप्रैल को और 40,000 यूज कर रहा हूँ, तो मैं मेरे पास कितना बचा? 1,20,000। तो मैं बोल रहा हूँ जिस प्रोपोर्शन में मेरा फायदा जा रहा है, उसी फायदे प्रोपोर्शन में मेरा एक्सपेंस जाएगा। मेरा टोटल एक्सपेंस है 20,000, तो किस प्रोपोर्शन में जाएगा? तो मैंने वेटेज निकाले, यहाँ पे मेरा 1x पैसा है यूज हो रहा है, यहाँ पे 2x यूज हो रहा है, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 4x, यहाँ पे 5x, यहाँ पे 5x, टोटल हो गया 20x। तो मैं बोलूंगा 20,000 को डिवाइड बाय 20 करो, क्या होगा? 1,000। तो यहाँ पे पांच पांच गुना खर्चा राइट ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे 5,000 राइट ऑफ, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 4,000, यहाँ पे 3,000, यहाँ पे 2,000, यहाँ पे 1,000 राइट ऑफ हो जाएगा। किस तरीके से मेरा 20,000 राइट ऑफ हो जाएगा? आपकी बुक क्या कर रही होगी? वो पहले ही साल 20,000 राइट ऑफ कर रहे हैं, जिसके साथ मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं अपने हिसाब से दिखाऊंगा, तो मैं ये एंट्री करूंगा यहाँ पे 2017-18 में, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट। आप देखना फिर भी बुक क्या कर रही है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,000 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 5,000। तो मैं हर साल उसको राइट अप करूंगा उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में फायदा ले रहा हूं, ठीक है? ये हो गया। अब ये वाली एंट्री तो हमारी सारी हो गई। अब हम देखो, अब हम राइट ऑफ कब करने वाले हैं? अब 1 अप्रैल को हम राइट ऑफ, अब 1 अप्रैल को हम क्या कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2018 को हम पहली बार राइट ऑफ करने वाले हैं। तो अभी हम कहाँ पहुंचे? अगर मैं टाइम लाइन बनाऊंगा, लेट मी मेक ए टाइम लाइन ताकि आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ये हो गया है 1/4/2016, यहाँ पे आपने इशू किया, ठीक है? यहाँ पे इशू की एंट्री करनी है, ये मैंने इशू की एंट्री कर ली। यहाँ पे 30 सितंबर को मैं इंटरेस्ट की एंट्री करूंगा, तो 31 मार्च को मैं इंटरेस्ट की एंट्री करूंगा। ये 2017 ही चल रहा है। फिर आएगा मेरा 30 सितंबर, इधर भी मुझे इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। फिर आएगा 31 मार्च, तो यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। और चूंकि क्योंकि मैं रिडीम भी करने वाला हूँ 1/4/2018 को, तो मैं यहाँ पे डीआरआर भी क्रिएट करूंगा, ठीक है ना? हालांकि उसका ज्यादा फर्क पड़ नहीं पड़ेगा,
और DRR इन्वेस्टमेंट भी करूंगा। एक बार देखना मुझे बुक कब इन्वेस्ट वो DRR क्रिएट कर रही है। मैं कहते 3 2017 को DRR भी क्रिएट करूंगा। तो अभी हम पूछे यहाँ पे 30 सितंबर 2017 को, 2016 हो गया, 17 हो गया, 30 सितंबर 2017, ये 18 आ जाएगा। 30 सितंबर 2017 आ गया, उसमें मेरे इंटरेस्ट की एंट्री करूंगा, ठीक है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बाउंसर ही जा रहा है। 2017 तक पहुंचे, 2017 मार्च तक सारी एंट्री कर ली हमने। अब नेक्स्ट डेट क्या आती है? इंटरेस्ट वाली डेट आती है 30 सितंबर की, तो 30 सितंबर को हाँ इंटरेस्ट पे करूंगा। अभी 2 लाख पूरे मेरे पास है, तो 2 लाख के डिबेंचर की एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 10,000। तो TDS पेएबल 1,000 टू डिवेंचर होल्डर 9,000। फिर इनको पे भी करूंगा 30 सितंबर को, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 9,000। TDS गवर्नमेंट को दूंगा तो लाइबिलिटी खत्म करूंगा, TDS पेएबल अकाउंट डेबिट 1,000 टू बैंक 9,000, 10,000। ये मैंने कर लिया। अब आएगा मेरा 31 मार्च 2018, ठीक है? 31 मार्च 2018 को भी मेरे पास 2 लाख के डिबेंचर बचे हैं, तो मैं पूरे 2 लाख से पहले इंटरेस्ट दे दूंगा। तो ये एंट्री जो है इंटरेस्ट एंट्री मैं पूरी रिपीट करूंगा, ठीक है ना? तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 10,000 टू TDS पेएबल जो मैं गवर्नमेंट को दूंगा 1,000, और डिबेंचर होल्डर को दूंगा 9,000। नहीं तो उसकी लाइबिलिटी बुक करूंगा पहले 9,000, फिर जब पेमेंट करूंगा तो एंट्री करूंगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 9,000, TDS की लाइबिलिटी खत्म करूंगा, TDS पेएबल अकाउंट डेबिट, और ये पेमेंट करूंगा तो बैंक 10,000। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट रिडेम्पशन होने वाला है वो 1/4/2018 को होने वाला है, मतलब इसके जस्ट पहले अगले दिन मेरे को रिडीम करना है डिबेंचर। तो मैं 31/3/2017 को DRR में पैसा ट्रांसफर करूंगा। कितना? जितने भी मेरे डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है उसका 10%। मेरे डिबेंचर्स कितने आउटस्टैंडिंग है टोटल? 2 लाख। तो 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000 में DRR में डाल, ठीक है? तो एक ही साथ टेंशन खत्म करूंगा। तो 31/3/2018 को मैं एक एंट्री करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस लॉस अकाउंट अकाउंट डेबिट टू डियर PRR 20,000, ठीक है? ये अनलिस्टेड कंपनी थी ना, 20,000। अब मुझे क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। अब यहां पे देखो कायदे से प्रॉब्लम क्या आ रही है। 1 अप्रैल को ही मुझे क्या करना पड़ रहा है? 1 अप्रैल को ही मेरे को रिडीम करना है, और 1 अप्रैल को ही मुझे इन्वेस्ट वाली एंट्री भी करनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एब्सर्ड हो रहा है क्वेश्चन, बट सिंस प्रोविजंस है तो आपको वो एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं 1 अप्रैल को एक एंट्री करता हूँ, पहले ये राइट ऑफ कर लो ये कैसे जो। होगा? हाँ, वो कैसे होगा? मतलब थियोरेटिकली करेंगे, प्रैक्टिकली तो कोई सेंस नहीं बनता, बट अगेन क्योंकि रूल लिखा है कि आपको उस साल में जितने भी रिडीम करने हैं उसको करना। हालांकि अगर नहीं करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप फर्स्ट कोई रिडीम कर रहे हो, है ना? हो सकता है जो आप अगले बार कर लेते तो उसके लिए सेंस बनता है, बट आप क्योंकि 1 अप्रैल को ही कर रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। बुक वाले ने कब किया है? इसने पहले साल किया है कि कैसे किया है? इसने DRR इन्वेस्टमेंट कभी ट्रिगर कर ली है कि DRR ही छोड़ दिया 20,000 का बना के? हाँ, DRR इसने किया 31 मार्च को। मार्च 2018 को, हाँ, ठीक। और DRR इन्वेस्टमेंट कौन सा DRR इन्वेस्टमेंट? वो है 2017 में कौन सी दिन को? अप्रैल 30। वो क्या इसने 40,000 पे, 40,000? हाँ अप्रैल 30 को 40,000 पे। वो तो ठीक है, बट इसने 30 अप्रैल 2000, सॉरी 30 अप्रैल 2017 की है वो वाली एंट्री, ठीक हाँ, है? क्वेश्चन में एक्चुअली ना एक ही चीज कंफ्यूजन है, वो 1 अप्रैल डाल दिया है। ये भी ठीक है, मान सकते हैं ऐसे। एक्चुअली क्या लिखा था, जो एक्ट हमने पढ़ा था कल, उसमें लिखा था कि जो डिबेंचर्स आपके रिडीम होने हैं 31 मार्च तक, आने वाले एक साल में जो आपके डिबेंचर रिडीम होने उसका आप कर लो। बट अगर देखा जाए ये उस 31 मार्च के बाद आ रहा है, बट सिंस क्योंकि 1 अप्रैल ही है तो
पॉसिबल तो नहीं है फिर आगे फर्स्ट अप्रैल को कर लेना। तो उसने ठीक किया, उसने 30 अप्रैल को ही 2017 में ही एंट्री की है कि अगले साल मुझे 31 मार्च के जस्ट एक दिन बाद 40,000 के डिबेंचर्स रिडीम करने। तो उसकी उसने क्या किया है यहाँ पे, 30 अप्रैल 2017 को उसने एक DR इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो 30 अप्रैल 2017 को आप भी एंट्री कर लेना, DR इन्वेस्टमेंट की एंट्री कर लेना, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। और DRR बट उसने लास्ट में क्रिएट किया ना, वो किया 2018 में। और कितना किया, पूरा 20,000 हाँ DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक आपका 40,000। 40,000 आपको है जो रिडीम होना है उसका 15%, दैट इज 40,000 का 15% आपका आएगा 6,000। ठीक है, कितना किया इसने भी, तो जी सर। बैंक 6,000। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये एंट्री मैंने बाद में कर ली। अब देखो, अब 1 अप्रैल 2018 को जब आपको रिडीम करना है, 1 अप्रैल 2018 को जब आपको रिडीम करना है, अब इसने क्या किया, वो DR इन्वेस्टमेंट जो है उसको वो कर लिया, कैंसिल कर लिया, क्या किया उसको, एनकैश किया कि नहीं किया, एनकैश किसको? DR इन्वेस्टमेंट को एनकैश किया कि उधर उधर ही रहने दिया है, नहीं, उधर ही रखा है। उधर ही रखा है ना, उसको एनकैश नहीं किया है। ये इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज जब हम बोलते थे कि भाई उस इन्वेस्टमेंट को अपने एनकैश करना है जो आप रिडेम्पशन के लिए रखते हो, द प्रॉब्लम इज मुझे अगले साल के लिए तो और इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर समझ आई बात, मैंने 40,000 के लिए 6,000 इन्वेस्ट किया, अब मैं 40,000 को रिडीम करने वाला हूँ, बट अगर मैं इसका एनकैश करूंगा तो जो मेरे को अगले साल 40,000 और करना है उसके लिए तो और क्रिएट करना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट? तो जी यहाँ पे सर। क्या किएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पड़ी हुई है तो नई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और DRR एक बार क्रिएट कर लिया, तो अब जो रिडेम्पशन की एंट्री करनी है वो हमें करनी है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2018 को आप रिडेम्पशन की एंट्री करो, 1 अप्रैल 2018 को रिडेम्पशन की एंट्री करो। आपके कितने परसेंट डिबेंचर्स थे, 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू फोर्टी डिबेंचर परसेंट होल्ड। तो डिबेंचर होल्डर 40,000, और फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000। अब आपको 18-19 की पूरी एंट्रीज करनी है, तो आपका नेक्स्ट डेट आता है 30 सितंबर 2018, और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब नातिका बेटा, अब 2 लाख के डिबेंचर नहीं है आपके पास, अब आपके डिबेंचर है 1,60,000, तो अब जो इंटरेस्ट दोगे वो 1,60,000 पे दोगे आप, तो एंट्री करोगे डिबेंचर इंटरेस्ट सर, अकाउंट ये है। हमें हर साल करना है। हाँ, इंटरेस्ट की एंट्री करोगे ना, आपको लिखा ना, कब तक लिखा था आपको एंट्री करने के लिए, 3 साल का बोला था ना आपने क्वेश्चन में, 17, 18, 19, 31 मार्च 2019 की सारी एंट्री करनी है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अब होगा 1,60,000 पे 10% इंटू 6/12, दैट इज 8,000। टू TDS पेएबल 800, टू डिबेंचर होल्डर 7,200। फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करोगे तो एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट TDS पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर जाके 31 मार्च को और डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री करोगे 1,60,000। उसके बाद आपको DRR बनाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, DRR आपने ऑलरेडी बना के रखा है, और इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी आपने ऑलरेडी कर दिए, और वहां तक ही आपका क्वेश्चन है ना, 3 साल ही आपको बना लेना। और फिर जब लास्ट साल आएगा 2021-22, जब आप सारे डिबेंचर्स को रिडीम करोगे वापस, फिर आपके पास जो इन्वेस्टमेंट थी लास्ट वाली वो बेचोगे, तब लास्ट वाला रिडेम्पशन करोगे, और जो DRR में फिर लास्ट में बचा हुआ था पैसा उसको फिर आप कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, जनरल करोगे। ठीक है, सर, जो आपने 1,60,000 पे किया ना, वो किया हाँ आपने 30 सितंबर तक, फिर उसमें हाँ और करना है ना 31 मार्च तक। हाँ वो कर लोगे ना खुद ही, रिपीट तो हो जाएगी ये एंट्री, मैं हाँ नहीं ठीक दिखा रहा आप, ठीक है, वो आप ठीक खुद ही कर लेना। और मैं बोल रहा हूँ कि आपको अब नया DRR बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने 20,000 पहले ही बना दिया, और इन्वेस्ट भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने 40,000 में 15% तक 6,000 ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टमेंट और DRR लास्ट साल तक रहेगा। तो जिस साल लास्ट वाली रिडेम्पशन करोगे उस साल वो इन्वेस्टमेंट बेचोगे, वहां से पैसा आएगा वो बैंक में ट्रांसफर करोगे, और पूरा रिडेम्पशन करोगे, फिर जो DRR में 20,000 होगा उसको ट्रांसफर करोगे जनरल रिजर्व। ठीक है, आपको वहां तक नहीं करना, आपको सवाल में 3 साल का पूछा है, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बोल रहा हूँ कैसे होगा। तो आई थिंक आज इतना ही रखेंगे, मेरी नमाज भी छूटी हुई है, तो आप प्लीज ये जो दो कंसेप्ट हमने कर लिए थे, इंस्टॉलमेंट मेथड वाला और लमसम वाला, इन दोनों के आप सारे क्वेश्चन कर लेना कल इंशाल्लाह। फिर जो दूसरा होगा उसके बाद आपका कौन सा कंसेप्ट है, रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन करके, इसके बाद वाला कंसेप्ट देखो क्या है, रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन,
हाँ वही सर, वही फिर हम आंसर इंशाल्लाह कल रिडेम्पशन में कन्वर्जन करेंगे। और कल की क्लास कितने बजे लेनी है? कल मेरा ऑफ है, परसों मेरा ऑफ है, उसके बाद मेरा ऑफ है, उसके बाद मेरा ऑफ है, तो तुम लोग बताओ क्लास कितने बजे रखनी है? सर। हम 7 बजे पढ़ेंगे बिजनेस और 8 बजे। कल, कल 8 बजे हाँ कल होगी अकाउंट। हमारी बिजनेस। चलो ठीक है, कल 7 से 8 बिजनेस स्टडीज और 8 से 9 अकाउंटेंसी। ठीक है, चलो गुड नाइट। अलग कोई डाउट नो सर। प्लीज होमवर्क कर लेना, कोई दिक्कत ठीक है। आएगी तो पहले उन्हीं क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नया कंसेप्ट आएंगे, टेंशन नहीं लेना। बट प्लीज प्रैक्टिस करो, अगर प्रैक्टिस करोगे तो तभी समझ आएगा। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। अलग।